हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पे। और आज सीखेंगे हम कि वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। देखिए, समझते पर क्या होता है वर्ग। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमारा गुणनफल निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसको हम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं वर्ग किसी को। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक का वर्ग कितना होगा। एक का वर्ग 1 × 1 = 1 होगा। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, जो कोई एक संख्या है उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमारा निकलता है गुणनफल उसी को हम वर्ग बोलते हैं। यहाँ फिर देखिए, 2 का वर्ग निकलना है आपको। तो 2 × 2 = 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 × 3 = 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 × 4 = 16। और 5 का वर्ग जो होगा, 5 × 5 = 25। 6 का वर्ग होगा आपका, 6 × 6 = 36। ठीक है, और 7 का जो वर्ग होगा, 7 × 7 = 49। आपको 6 का वर्ग निकालना है तो 6 को 6 से गुणा कीजिए, 6 × 1 = 36। अब देखिए, 8 का वर्ग निकालिए आप, तो 8 × 8 तो कितना हो जाएगा, 68 = 64। 9 का वर्ग निकालिए आप, 9 × 9 = 81। और 10 का वर्ग निकालिएगा आप तो 10 × 10 = 100। 11 का वर्ग निकालिएगा तो आप 11 × 11 = 121। आपको 2 अंक का गुना कर दीजिए, 11 में 11 से गुना कर दीजिए आप तो 121 हो जाएगा। 12 को गुना स्क्वायर निकालिएगा तो आप 12 × 12 = 144। और 13 का वर्ग निकालिएगा आप तो 13 × 13 = 169। ठीक है, इसको आप वर्ग निकाल सकते हैं, गुना कर सकते हैं इसको। आप देखिए कैसे गुना करते हैं, 13 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, और 3 × 1 = 3, और 3 × 1 = 3, और 1 × 1 = 1 कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 6, और 1 कितना 169 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 169। तो ऐसे ही गुना कर देना है। अब निकालना है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 14 × 14 = 196। 15 का वर्ग निकालिए आप, 15 × 15 = 225। और 16 का वर्ग निकालिएगा आप तो 16 × 16 = 16 कितना हो जाएगा, 256। और 17 का वर्ग निकालिएगा आप तो 17 × 17 आपका हो जाएगा 289। आपको बेसिकली गुना करना है, 17 को गुना कर दीजिए 17 से। ठीक है, तो 289 आ जाएगा आपका। फिर 18 का वर्ग निकालना है आपका, तो 18 को गुना कर दीजिए आप 18 से, तो कितना हो जाएगा, 324 आएगा आपको। 18 को गुना करिएगा 18 से तो आपका 324 आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर 18 को आप 18 से गुना करिएगा तो 324 ही आएगा। 68 × 64 = 4, 6 × 6 = 8, तो 8 × 8 = 8, 6 × 14 = 14। ठीक है, और 8 × 8 = 8, और 1 × 1 = 1 तो 4, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 1, 1 × 1 = 2 = 1 = 3 तो 324 आ गया आपका। फिर उसी तरह 19 को स्क्वायर निकाल लीजिए आप, तो 19 × 19 = 361। ठीक है, और 20 का स्क्वायर निकालिएगा आप, 20 का स्क्वायर तो 20 × 20 = जाएगा आपका 400। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे का जो भी होगा, आगे का 50 का स्क्वायर होगा, 60 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर, इसको हम ट्रिक से सिखाएंगे आपको। ठीक है, अगला वीडियो में आपको हम ट्रिक से सिखाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से और एक महत्वपूर्ण बात सब है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर जिस संख्या के अंत में, आपका 2, 3, 7 और 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा पहला कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे में 12, 13, 17, 18 ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, और सम संख्या का अगर वर्ग कीजिएगा, सम संख्या तो वो सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो उसका जो वर्ग सम संख्या ही होगा। जैसे 2 का स्क्वायर कीजिएगा सम संख्या है तो 4 आएगा, तो ये भी सम संख्या है।
आठ का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा, तो ये भी क्या है सम संख्या ही है। अगर तीसरा है अगर विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा, विषम संख्या का जैसे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये विषम संख्या, तो इसका भी वर्ग क्या है, विषम संख्या ही है। और चौथा